हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है सीजर क्या होता है और कैसे ये एपिलेप्सी से डिफरेंट होता है, मिर्गी क्या है, दौरे क्या है, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं और कैसे ये डिफरेंट होता है दूसरी बीमारियों से। तो हम बात करेंगे मेडिकली। तो सीजर क्या होता है? सीजर, जिसको हम आम भाषा में दौरा बोलते हैं, सीजर इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल हाइपर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन न्यूरॉन्स दैट गिव राइज टू एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट एंड इट कुड बी फोकल, इट कैन बी जनरलाइज। फोकल इज, इट इज जनरेटेड फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड जनरलाइज इट, इट इज जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स जो हैं, इट कैन बी टॉनिक, इट कैन बी क्लोनिक, इट कैन बी टॉनिक क्लोनिक और इट कैन बी यू नो पेटिट माल और इट कैन बी एबसेंट सीजर। एबसेंट सीजर मतलब जरूरी नहीं कि झटके ही आए हर दौरे में। हम किसी शॉप पे गए, हमने सामान खरीदा और हमने 50 रुपये दे दिए, 50 रुपये का सामान लिया और हमने 50 रुपये का नोट दे दिया दुकानदार को और हमें सीजर आ गया, कुछ समय के लिए ब्लिंक हो गए और हमें पता चला कि हमने उसको 50 रुपये नहीं दिए हैं और हमने दोबारा से उसको 50 रुपये दे दिए, या फिर दुकानदार को पैसे देने थे और हमने दोबारा उससे पैसे मांग लिए, जेब में डाल दिए थे एक बार तो दोबारा मांग लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एबसेंट सीजर है। इसमें देखो, आप देखेंगे कोई भी दौरा नहीं आया, कोई झटके नहीं आए, कोई पेशेंट का बाथरूम नहीं निकला, कोई पेशेंट की लेटरिंग नहीं निकली, कोई दांत जीभ नहीं कटी या कहीं पेशेंट को कोई झटके नहीं आए, लेकिन फिर भी ये सीजर है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो सीवियरिटी है, वो लेस है। एक होते हैं जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, GTCS जिसको बोलते हैं, उसमें झटका आता है, बहुत तेज गति से झटका आता है, कई बार जीभ भी दांतों के नीचे कट जाती है, पेशाब निकल जाता है, लेटरिंग निकल जाती है और कई बार तो जो पेशेंट होते हैं जो इसमें, कई बार अपने आप को चोट भी लगा सकते हैं, चोट भी लग जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये दौरा कभी भी आ सकता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त आ सकता है, आप स्विमिंग कर रहे हैं या कहीं गए हुए हैं या कहीं पानी के पास हैं या कहीं फायर के पास हैं, तो ये क्या होता है, ये दौरा आ जाता है। तो आप देखते हैं ये कई बार ऐसे दौरे आ जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है, तो हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन, यूजुअली आपको आर वेल अवेयर। तो इसमें से कई बार जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो निकलता है, तो कई बार ये फोकल होता है, स्मॉल पार्ट, और जनरलाइज कर भाई ये डिफरेंट पार्ट से इकट्ठा निकलता है, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर, फोकल या डिफ्यूज जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कई बार हमें बेसिक टेस्ट पेशेंट के करवाने होते हैं। बेसिक टेस्ट में अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है सबसे पहले शुगर लेवल, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें करवाने होते हैं, हमें ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, ठीक है। फॉलोड बाई EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कई बार करवानी पड़ती है, देन MRI विद सीजर प्रोटोकॉल और MRI विद एपिलेप्सी प्रोटोकॉल भी हम बोलते हैं। तो ये हम पेशेंट की करवाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कहीं पे कोई ब्रेन में कोई NCC तो नहीं है, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस जो बच्चों में बहुत कॉमन है, कहीं पे ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं है जो अडल्ट्स में या ओल्ड एज में कॉमन है, तो देयर माइट बी सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सीजर और एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट मैं बताऊँगा सीजर इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल हाइपर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन न्यूरॉन्स दैट गिव राइज टू एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स एंड इट कुड बी स्मॉल बॉडी मूवमेंट्स, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स और इट कैन बी डिफ्यूज गिविंग राइज टू सम इंजरी टू द पेशेंट। सो दिस इज सीजर। नाउ व्हाट इज एपिलेप्सी? टेंडेंसी टू हैव द रिकरेंट सीजर्स इज कॉल्ड एज एपिलेप्सी। टेंडेंसी बार बार दौरे जो आते हैं उसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को, किसी भी बच्चे को, किसी भी बूढ़े को, किसी भी अडल्ट को कभी भी दौरा आ सकता है। जैसे सपोज़ करो हमने फास्ट किया है, खाना नहीं खाया और सडनली हमें शुगर थोड़ी लो होगी या फिर हम डिस्ट्रेस में हमें छोटा सा दौरा आ गया, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम दौरा 5 साल बाद भी ना आए, 10 साल भी ना आए और पूरी उम्र भी ना आए। और एक दौरा होता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं और फिर भी दौरा आ गया और वो दौरा फिर फ्रीक्वेंटली आ रहा है, 5 दिन के बाद फिर से आ गया, 10 दिन के बाद फिर से आ गया, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी टेंडेंसी। तो इसमें हमें कोज जानने की ज़रूरत होती है, कारण क्या है, क्योंकि सीजर डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर टाइम, इट कैन हैपन एनीवेयर। यू माइट बी ट्रैवलिंग, यू माइट बी सिटिंग, यू माइट बी नियर द फायर, यू माइट बी नियर द वाटर पॉन्ड, यू माइट बी समवेयर, यू आर बी साइकिलिंग, यू मस्ट बी ड्राइविंग और यू मस्ट बी राइडिंग, वट एवर माइट बी, सो इट कुड बी डेंजरस। तो इसमें क्या होता है, हमें कारण जानने के लिए पेशेंट की टेस्टिंग करवानी पड़ती है। तो टेस्टिंग में बेसिकली हम फर्स्ट जाते हैं बायोकेमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में जो हमने टेस्ट बताए वो करवाने होते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, EEG
ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो कई बार क्या होता है, जैसे दौरा आया तो अगर हमने 6 घंटे 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर ईजी करवा लिया, तो ईजी में हमें इलेक्ट्रिकल जो अल्फा बीटा जो वेव्स की जो हमें सिंक्रोनोजी मिलती है वो एबनॉर्मल और डिस्टर्ब मिलती है। लेकिन ये नहीं कि दौरा आ जाए या 5 दिन बाद हम ईजी करवाते, समटाइम्स इट कम्स नॉर्मल। सो एग्जैक्टली कब करवाना चाहिए वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर MRI विद सीजर प्रोटोकॉल हम करवाते हैं। कई बार ये सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आती हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल, ईजी नॉर्मल, MRI नॉर्मल, ओके, देन रेस्ट ऑफ द और कुछ इन्वेस्टिगेशन हम करवा रहे हैं, दैट एवरीथिंग्स कम नॉर्मल, एवरीथिंग कम्स नॉर्मल, देयर इज नो एबनॉर्मलिटी, नो ऑर्गेनिक पैथोलॉजी इनसाइड द ब्रेन, बट स्टिल पेशेंट यूज टू गेट सीजर्स, इडियोपैथिक। वट इज इडियोपैथिक? मोस्ट कॉमन होते हैं इडियोपैथिक सीजर्स, उसमें पता ही नहीं चलता इडियोपैथिक एपिलेप्सी, पता ही नहीं चलता कारण क्या है। स्टिल दे यूज टू हैव पॉप ऑफ द पिल्स, फिर भी उन्हें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है क्योंकि सीजर से बचना है, सीजर से बचना है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, हम आपको बता दें, जिसमें ब्लड टेस्ट CBC हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट, शुगर लेवल, सीरम कैल्शियम, सीरम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हम करवाते हैं, उसके बाद MRI विद सीजर प्रोटोकॉल। MRI होती है जो सीजर प्रोटोकॉल के साथ होती है। तो सीजर प्रोटोकॉल में डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस आते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है ब्रेन एडिमा का, न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस, कोई और कोई मास लीजन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है, कोई हेड इंजरी, पोस्ट हेड इंजरी कोई सीजर तो नहीं आया। तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत होती है। तो सीजर और एपिलेप्सी दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते, ये डिफरेंट है, एक दूसरे का पार्ट बोल सकते हैं लेकिन इनकी डेफिनेशंस दोनों की डिफरेंट है। तो इसमें हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जानना है, देन वी हैव टू सी एंड वी हैव टू एवेलुएट द पेशेंट साइंटिफिकली, ओके। अगर बार बार सीजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू कंसल्ट ए फिजिशियन, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, वी हैव टू टेक यू नो कंसल्ट यू नो एप्रोप्रिएट डॉक्टर फॉर द बेटर ट्रीटमेंट। एंड जो डिफरेंस यूजुअली एक एग्जांपल हम दें तो जैसे चक्कर आके गिर गया, एकदम से गिर गया, और दूसरा जिसमें सीजर जब आता है, दौरे यूजुअली आते, तो ज़रूरी नहीं कि हर बारी पेशाब निकले, लैटरिंग निकले या फिर टंग बाइट हो, कई बार हो सकती है कई बार नहीं होती। जो टिपिकल सीजर्स होते हैं उनमें ऐसा होता है, तो इमीडिएट फर्स्ट एड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सीजर कभी हॉस्पिटल के बाहर ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हॉस्पिटल के अंदर भी पेशेंट्स को आ सकते हैं। तो उसमें आपको पेशेंट की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट की पोजीशन हमें इंपॉर्टेंट होती है जो बनानी होती है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हमें पेशेंट को लिटा देना होता है, अगर हम बात करें पेशेंट की, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में टर्न कर देना होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब सीजर्स आते हैं तो एस्पिरेशन का चांस होता है, एस्पिरेशन मतलब जब वॉमिटिंग आती है वो कई बार लंग्स में चली जाती है, तो हमें उस टाइम पर ये चीज़ का ध्यान देना होता है, वॉमिटिंग कई बार फेफड़ों में चली जाती है। तो यूजुअली 95% ऑफ सीजर 2 मिनट के अंदर काम डाउन हो जाते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पोस्ट इक्टल फेज कई बार रहता है, पोस्ट इक्टल फेज का मतलब होता है चीज़ें याद नहीं रहती, क्या हुआ था, सिर में दर्द रहता है, उल्टी का मन करता है, थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकली यू नो फंक्शंस कम हो जाते हैं टाइम बींग के लिए, ट्रांजिएंट, ठीक है, तो ऐसे उसको बोलते हैं पोस्ट इक्टल फेज। तो होप दिस यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक थिंग्स ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज सीजर, जिसमें हमने सीजर के बारे में बताया, ब्रेन में कैसे सीजर्स जनरेट होते हैं, हाइपर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, हाइपर स्टिमुलेशन डिस्चार्ज होता है ब्रेन से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स का, तो जिससे हमें पता चलता है। तो अगर हम बात करें सीजर्स की, तो सीजर्स एक तरह से अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे होते हैं जैसे हमें हार्ट में SVT हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, PSVT हो गया, तो ये EEG की तरह, EEG में जैसे वैसे ही ECG में हमें रिक्वायर्ड होता है, जैसे सुप्राविट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ पे ये सब हो गया, ठीक है, तो वैसे ही ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो हमें पता चलता है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज कैन बी वेलकम, एंड प्लीज़ टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।